जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया ने करी यूक्रेन में सीज फायर की घोषणा। MiG-29 डील के कैंसिलेशन पर अभी तक नहीं लिया गया है औपचारिक रूप से फैसला। पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में BSF ने पाकिस्तान के क्वाडकॉप्टर को किया शॉट। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने वेस्टर्न कंट्रीज से पूछा कि क्या पाकिस्तान को समझते हैं गुलाम। और इंडियन नेवी और श्रीलंका नेवी ने आयोजित करी बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज। आज रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को 12वां दिन हो चुका है और इसी बीच रिपोर्ट निकल के सामने आई है कि आज भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन और रशिया के राष्ट्रपति दोनों के साथ बात करी है, जिसमें से यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ हुई बातचीत के दौरान दोनों ही देशों के लीडर्स ने यूक्रेन की सिचुएशन को लेकर महत्वपूर्ण डिस्कशन किया है। और इस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन से इंडियन नेशनल्स के इवैक्यूएशन में मदद करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति को धन्यवाद कहा है। और इसके साथ साथ इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए रशिया और यूक्रेन के बीच के डायरेक्ट डायलॉग को भी कंटिन्यू रखने के लिए उन्होंने अप्रिशिएट किया है। और बाकी यूक्रेन के सूमी में फंसे इंडियन नेशनल्स को भी सुरक्षित बाहर निकालने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से आगे भी इसी तरह के सपोर्ट को जारी रखने की उम्मीद जताई है। और जबकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपने ऑफिशियल ट्वीट से इस बारे में जानकारी दी है कि उन्होंने यूक्रेन द्वारा रशियन एग्रेशन का मुकाबला करने के बारे में भारत के प्रधानमंत्री को सूचित किया है और भारत युद्ध के दौरान अपने नागरिकों को सहायता और उच्चतम स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता की सराहना करता है। और इसी तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री रशियन राष्ट्रपति के साथ भी बात करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग अभी अपडेट आना बाकी है। बाकी एक बड़ा अपडेट ये सामने आया है कि भारत और रशियन लीडर्स के बीच बातचीत होने से पहले रशिया की तरफ से आज कीव, सुमी, खारकीव और मारियोपोल में सीज फायर की घोषणा की गई है। और इस सीज फायर के साथ रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की अनाउंसमेंट की है। और ये सीज फायर आज दिन में 12:30 बजे से शुरू हुआ है और इसलिए किया गया है ताकि जितने भी सिविलियंस वहाँ पे फंसे हैं उन्हें समय पर वहाँ से इवैक्यूएट कराया जा सके। और अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एक बेहद ही अच्छी खबर सामने आई है कि यूक्रेन के सुमी में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे तो इन सभी को इवैक्यूएशन के लिए स्टैंड बाय पर रहने के लिए कहा गया है और उनको वहां से इवैक्यूएट कराने के लिए जल्दी बसेस उनके पास पहुंचने वाली हैं। और बाकी इसी तरीके से अगर आप अपडेट्स तेजी से पाना चाहते हैं तो वैसे तो हमें उम्मीद है कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन अगर कोई है जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि US और NATO की तरफ से एक सप्ताह से भी कम समय में यूक्रेन के लिए 17,000 से अधिक एंटी टैंक वेपन्स को सप्लाई किया गया है। बाकी एक बयान चाइना की तरफ से भी देखने को मिला है जिसमें उनकी तरफ से उम्मीद जताई गई है कि रशिया और यूक्रेन नेगोशिएशन के तीसरे राउंड के दौरान इस विवाद को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कुछ और प्रोग्रेस करेंगे। और चाइना ने दोनों देशों को रीजन में लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर फोकस करने का आग्रह किया है। इसके अलावा AFP न्यूज एजेंसी की तरफ से रिपोर्ट जारी करके बताया गया है कि कीव के लिए फाइटर जेट सप्लाई करने के लिए US की तरफ से पोलैंड को मंजूरी दे दी गई है। और रशिया में वीजा मास्टर कार्ड द्वारा उनके ऑपरेशन को सस्पेंड किए जाने के बाद रशियन बैंक्स का कहना है कि वे अब चाइना के यूनियन पे सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक अपडेट यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने UN की जनरल असेंबली में यूक्रेन के खिलाफ रशिया की आक्रामकता की निंदा करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने को लेकर इस्लामाबाद में स्थित वेस्टर्न इनवॉइस की आलोचना की है। और एक जनसभा को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के इमरान खान ने सवाल किया कि क्या पाकिस्तान को आप पश्चिमी देशों का गुलाम समझते हैं। वैसे आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये बात 22 फॉरेन मिशन द्वारा जारी उस चिट्ठी के जवाब में कही है जिसमें पाकिस्तान से UN जनरल असेंबली में रूस की निंदा वाले प्रस्ताव का समर्थन करने को कहा गया था। पर यहाँ पे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिक्कत तब हुई जब उन्हें ये पता लगा कि ऐसी कोई चिट्ठी भारत को तो नहीं भेजी गई है, बल्कि भारत ने भी UN में रशिया के खिलाफ जो प्रस्ताव चलाया गया था उसमें वोटिंग देने से परहेज किया था। और इसलिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यूरोपियन यूनियन के राजदूतों से बोलना चाहता हूँ कि क्या आपने ऐसी कोई चिट्ठी भारत को लिखी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इसलिए इतना कुछ झेलना पड़ा है क्योंकि उसने अफगानिस्तान में NATO समर्थित गठबंधन का समर्थन किया था। और फिर आगे उन्होंने ये कहा कि आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या हम आपके गुलाम हैं कि जो भी आप कहेंगे हम वही करेंगे। अच्छा, जरा आप इस बात की कल्पना कीजिए कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि क्या आप पाकिस्तान को वेस्टर्न कंट्रीज का गुलाम समझते हैं, तो ऐसे में अगर जवाब आ जाता कि हाँ हम समझते हैं तो आपको क्या लगता है कि फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री क्या कहते। पर खैर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह सब इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि वे अभी भी इस बात को नहीं समझ पाए कि भारत भारत है और पाकिस्तान पाकिस्तान, और दुनिया में भारत की जो पोजीशन है वो पाकिस्तान की शायद ही कभी होगी। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में US के सीनियर ऑफिशियल की तरफ से दावा किया गया था कि भारत ने पिछले कुछ सप्ताह में रशिया के साथ MiG-29 फाइटर्स, रशियन हेलीकॉप्टर्स और एंटी टैंक वेपन्स की डील को कैंसिल किया है।
और इसके साथ उनका यह भी कहना था कि रशिया पर लगे सैंक्शंस की वजह से रशिया से डिफेंस आइटम्स को इंपोर्ट करने में भारत को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। पर जैसे कि इस रिपोर्ट के साथ हमने आपको ये भी बताया था कि यूएस ऑफिशियल्स का जो भारत रशिया डील के कैंसिल होने वाला दावा है, तो इसको लेकर भारत की तरफ से कोई भी औपचारिक रूप से कमेंट देखने को नहीं मिला था। और जबकि ये MiG-29 फाइटर्स वाली जो रिपोर्ट है, ये जनवरी के महीने में भी सामने आई थी, जिसमें कहा गया था कि भारत रशिया से इस डील को कैंसिल कर रहा है, लेकिन उस समय भी इस रिपोर्ट का कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था। लेकिन अब इसके रिगार्डिंग द हिंदू की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें डिफेंस सोर्सेज के हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो रशिया से एडिशनल MiG-29 फाइटर्स, सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स और कैमोव के Tu-26T हेलीकॉप्टर्स वाली डील है, तो उनको कैंसिल करने को लेकर अभी तक कोई भी औपचारिक रूप से फैसला नहीं लिया गया है। यानी कि एक संभावना ये हो सकती है कि इस पर विचार किया जा रहा हो, लेकिन ये कैंसिल होगी ही होंगी, तो इस पर अभी तक औपचारिक निर्णय नहीं हुआ है। आज सुबह करीब 3 बजे पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया है, और इस ड्रोन से एक छोटा ग्रीन बैग, येलो कलर की रैपिंग के साथ 4 पैकेट्स और एक छोटा ब्लैक पैकेट भी रिकवर किया गया है, और इन पैकेट्स में से करीब 4.17 किलोग्राम तक के नार्कोटिक्स रिकवर हुए हैं। और प्रेस रिलीज में BSF की तरफ से बताया गया है कि आज 7 मार्च को सुबह करीब 2:55 पर जो फॉरवर्ड डिप्लॉयड ट्रूप से उन्होंने एक सस्पिशियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट की हमिंग साउंड को सुना था, जो कि फिरोजपुर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ आ रहा था, और फिर जिसके बाद तुरंत ही उस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी कि उस ड्रोन पर फायर किया गया, और पहले उस एरिया पर रोशनी के लिए पैराबॉम्ब्स फायर किए गए, और फिर जिसके बाद सफलतापूर्वक उस ड्रोन को शॉट डाउन किया गया। और BSF के मुताबिक जो ड्रोन शॉट डाउन किया गया है वो DJI Matrice 300 RTX क्वाडकॉप्टर है, और जो कि एक बार फिर से पाकिस्तान के इस नार्को टेरर का खुलासा करता है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलेंगे कि भला दुनिया में हमें इज्जत क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि सारी इज्जत तो उन्होंने खुद से ही अपने हाथों से गवाई है इस तरह की हरकतें करके। अभी जिससे मैं हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो भारतीय प्रधानमंत्री और रशियन राष्ट्रपति के बीच आज जो बात हुई है, तो उसके बारे में अपडेट सामने आ गया है। तो इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के लीडर्स ने यूक्रेन की सिचुएशन को तो डिस्कस किया ही है, लेकिन इसके साथ साथ राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन और रशियन टीम्स के बीच निगोसिएशन का जो स्टेटस है, तो उसके बारे में भी भारतीय प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया है। इसके अलावा भारत ने रशियन राष्ट्रपति से भी आग्रह किया है कि वे दोनों देशों की टीम के बीच चल रहे निगोसिएशन के अलावा यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ भी डायरेक्ट बात करें। और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रशिया द्वारा यूक्रेन में सीज फायर की अनाउंसमेंट करना और ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को स्थापित करने की सराहना की है। और इसके साथ साथ जल्द से जल्द सुमी में फंसे भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए भी उन्होंने जोर दिया है। और जबकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आश्वासन दिया गया है कि एक सेफ इवैक्यूएशन के लिए वे सभी संभावित सहयोग करेंगे। और इसी बीच एक बहुत ही विचित्र सी रिपोर्ट सामने आई है, और वो ये है कि डोनबास रीजन में एज ए डॉक्टर काम कर रहे एक भारतीय नागरिक जिसका नाम है गिरी कुमार पाटिल, तो उनका कहना है कि वे अपने पेट्स के बिना यूक्रेन को नहीं छोड़ेंगे। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भला भारत सरकार तो यूक्रेन में जो लोग फंसे हैं उनको उनके पेट्स के साथ भी अब अलाउ कर रही है वापस आने के लिए, तो भला फिर ये क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आपको बता दें कि इनके पास जो पेट्स हैं उनमें से एक तो है जैगवार और दूसरा है पैंथर, और इसी वजह से वहां ये जैगवार कुमार के नाम से भी मशहूर है। मतलब अब इस रिपोर्ट पर कहें तो कहें क्या और बोले तो बोले क्या? आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। आज 7 मार्च से भारत और श्रीलंका की नेवीज के बीच बायलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है SLINEX, तो इसके नवे एडिशन को शुरू कर दिया गया है। ये जो एक्सरसाइज है इसे 2 फेज में कंडक्ट किया जाएगा। पहला फेज होगा हार्बर फेज, जो कि 7 से 8 मार्च तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है, और दूसरा फेज होगा सी फेज, जो कि 9 से 10 मार्च तक बे ऑफ बंगाल में आयोजित होगा। इसके अलावा आज चीन के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान देखने को मिला है, जिसमें उनका ये कहना था कि भारत और चीन को एक दूसरे की एनर्जीज को खत्म करने के बजाय एक दूसरे के गोल्स को एकम्प्लिस करने में मदद करनी चाहिए। और उनका ये भी कहना था कि कुछ फोर्सेस भारत और चाइना के बीच डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं, और उनके मुताबिक भारत और चाइना को राइवल्स नहीं बल्कि पार्टनर होना चाहिए। और आपको बता दें कि ये सारी बातें चाइना के विदेश मंत्री ने एक एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कही है। खैर, चाइना के विदेश मंत्री के इस बयान पर तो हम यही कहना चाहेंगे कि चाइना इतनी हिपोक्रेसी लाता कहां से? और मतलब एक दूसरे के गोल पूरा करने में मदद करनी चाहिए, ऐसा कहकर चाइना के विदेश मंत्री कहना क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जहां तक समझ आता है कि चाइना का तो केवल एक ही गोल रहा है, दूसरों की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना। पर खैर, इस पर आपके जो भी विचार हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 1999 में एक एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान गनर गुरिंदर सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2014 में कमांडर कुंतल वाधवा भी वीरगति को प्राप्त हुए थे, और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत नौसेना मेडल से सम्मानित किया गया था। और अब समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव हो, सवाल हो, उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।